गांधी जी के सपनों का जो इंडिया है, उनका जो सपना था वह था एक ग्रामीण भारत। यानी वो कहते थे कि भारत का विकास गांव से होगा। तो यदि हम गांव की बात करें तो वर्तमान में गांव में अनेक समस्याएं हैं। उनमें से पांच ऐसी समस्याएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, यानी जितना महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं इंसान के लिए, नागरिकों के लिए, उतने ही अहम हैं ये पांच नीड्स, ये पांच जरूरतें, जिनमें सबसे पहले शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, संचार और बैंक। ये पांच ऐसी नीड्स हैं जिनके बिना इंसान की रीढ़ टूट जाती है। यदि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, संचार नहीं है, बैंक नहीं है, तो इंसान मजबूर होगा पलायन के लिए। इंसान बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन यापन करेगा। और यदि ये पांचों चीजें हैं, अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, संचार है, बैंक है, तो मुझे लगता है हर परिस्थिति का सॉल्यूशन निकल सकता है, हर परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन यदि हम गांव में देखें, वर्तमान में खासकर उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं, आप उत्तरकाशी ले लो, अपना चमोली ले लो, रुद्रप्रयाग ले लो, तो इन गांव में, इन जिलों के जो बैकवर्ड विकास खंड हैं, पिछड़े विकास खंड हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। मुझे लगता है बजट आता है, सरकार बजट देती है, लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है? आप गांव में देखिए, सड़कों की स्थिति काफी बुरी है, स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, संचार के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, शिक्षा के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते, और यहाँ तक कि बैंक के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। दूर दूर तक ये चीजें नहीं मिलती हैं। यदि विद्यालय हैं तो पूरे शिक्षक नहीं हैं, सड़कें हैं तो तमाम प्रकार के गड्ढे हैं, दुर्घटनाग्रस्त जोन हैं, पत्थर हैं, कीचड़ हैं, गड्ढे हैं, चलना असंभव है, बीमार लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, अस्वस्थ लोगों को, बच्चों को उन रास्तों से तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाना काफी कठिन भरा, जटिल भरा, जोखिम भरा है। संचार की बात करें, कनेक्टिविटी ना के बराबर है। लॉकडाउन में सबने देखा है कितने बच्चों की पढ़ाई हुई, किस प्रकार से कितनी समस्याओं का सामना हमने किया, सभी लोगों ने, चाहे बच्चे हो, अभिभावक हो, टीचर्स हो, या समाज के अन्य लोग हो, वो भी आप जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इसके अतिरिक्त बैंक की बात करें तो कई विकासखंड ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक बैंक है और वहां पर लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं लाइन में कई घंटों तक। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्योंकि बैंक एक है, जरूरत सबकी है, तो दिक्कत सबको होगी। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। और विकास का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, शहर मुझे लगता है विकसित हो चुके हैं कई मामलों में। यदि कुछ बजट, कुछ पैसा ग्रामीण भारत की तरफ ध्यान से लगाया जाए, तो जो निम्नतम स्थितियां हैं गांव की, जोखिम भरी परिस्थितियां हैं, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, उनमें सुधार किया जा सकता है। दूसरी बात, हमारे राज्य में आप 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल हो चुके हैं, 13 जनपद हैं, छोटा सा राज्य है, जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल भी कम ही है, इतना ज्यादा नहीं है, और जिले भी कम हैं। प्रत्येक जिले में सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट होता है, तहसील में तहसीलदार होता है, छोटा सा राज्य है, 70 विधायक हैं हमारे राज्य में, 5 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं, और एक एंग्लो इंडियन जो विधानसभा में मनोनीत होते हैं। तो इतनी बड़ी हमारी शासन व्यवस्था आप कह सकते हैं, प्रशासन व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद भी हमारे राज्य की स्थिति 20 सालों में ज़्यादा नहीं सुधर पाई है। यदि आप धरातल पर देखें तो इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमको, सबको, सरकार को भी, शासन प्रशासन को भी, सरकार के सभी अंगों को, उनके सभी कार्मिकों को,
और राज्य की जनता को, बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को, महिलाओं को, सबको। करप्शन से मुक्त हो राज्य, बेरोजगारी से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, शिक्षा से संपूर्ण हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, सड़कों से सुसज्जित हो, बैंकिंग प्रणाली से मजबूत हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, इसमें मजबूत हो हमारा राज्य, और हैप्पी इंडेक्स के मामले में ऊपर उठे। वैसे देखा जाए तो देवभूमि है, दुनिया से लोग आते हैं, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, तीर्थाटन के उद्देश्य से आते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं, पहाड़ों की हवा, पहाड़ों का ठंडा पानी, पहाड़ों की सुंदरता के उद्देश्य से आते हैं। दुनिया के बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थान हमारे राज्य में हैं। आप वैली ऑफ फ्लावर की बात करो, आप हेमकुंड साहिब की बात करो, आप बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करो, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करो, आप चमोली जनपद में बैदनी बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल, होमकुंड की बात करो, इसके अतिरिक्त पंच प्रयागों की बात करो, अपार प्राकृतिक संपदा जुटाए हुआ हमारा यह राज्य है, जो कि नैसर्गिक है, नॉट आर्टिफिशियल, किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति की देन है, और लोग इस प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्कोप हो सकता है। दूसरी बात, इसकी सुंदरता को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने की आज बेहद ज़रूरत है। मैं फिर 5 मुद्दों पर ही बात करूँगा, 5 मुद्दों को हमेशा दोहराता हूँ मैं। मुझे चिंता होती है अपने राज्य की, अपने विकास खंड की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने उत्तराखंड की, अपने देश की। लेकिन कहते हैं पहला अपना घर, अपना गांव, अपना क्षेत्र, अपना विकास खंड, अपना राज्य, यही पहले सुधर जाए तो धीरे धीरे सब कुछ संभव है। आज स्थिति इतनी खराब है हमारे क्षेत्र की, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, आप अच्छे से नहीं चल सकते, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, लोग विकट परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, संचार व्यवस्था ना के बराबर है, 0, जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है आज भी, और बैंकिंग प्रणाली ना के बराबर है। यहाँ तक कि कई गांव ऐसे हैं आज उत्तराखंड में, मैंने धरातल पर जाके देखा है, सोचा है, जहाँ पर आज गैस की गाड़ी नहीं जाती, लोग चाहते हैं, उनके पास सिलेंडर है लेकिन एक बार भरा उन्होंने, उसके बाद कभी नहीं भरा दोबारा, कहाँ भरा जाता है ये भी नहीं पता उनको, गैस की गाड़ी कभी वहाँ नहीं जाती, प्रचार प्रसार वहाँ पर नहीं हुआ। तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर्यावरण बचाने की ज़रूरत है। लोग लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, कब तक जलाएंगे, कितना जलाएंगे, एक दिन तो उन्होंने समाप्त होना है। यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के 17 गोल हैं, उन्हें अगर पूरी दुनिया अचीव करना चाहती है, गेन करना चाहती है, तो हमें मनुष्यों की, इंसानों की जो नीड्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए वही है कि जो मैं कह रहा हूँ कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, लोगों को अभी ज़रूरत नहीं हेलीकॉप्टर की, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ट्रेन की, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक VIP लग्जरी लाइफ की, ज़रूरत है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, संचार की, सड़क की, बैंक की, साथ ही साथ युवाओं को रोज़गार की। कई लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनकी एज जा रही है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। 20 साल का उत्तराखंड अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है, युवा हो गया हमारा राज्य, धीरे धीरे एज बढ़ती रहेगी, तो मुझे लगता है समय के साथ स्थितियां भी सुधरनी चाहिए, हर एक साल हमें कुछ नया देखने को मिले। और इतना कठिन नहीं है, हमारा राज्य छोटा है क्षेत्रफल में भी, इसके प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान दिया जा सकता है यदि हम लोग सभी मिलकर प्रयास करें, भ्रष्टाचार से बचें, दूसरे की हेल्प करें, और आपस में भाईचारे का भाव रखें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया संचार माध्यमों से जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम विकास की ओर जा सकते हैं। उत्तराखंड में आप देखो जो नगर निगम है, 8 नगर निगम है उत्तराखंड में वर्तमान में, 20 साल हो गए राज्य को, 9 नवंबर 2000 को बना, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस राज्य की स्थापना के लिए। आप मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड, मसूरी गोली कांड अच्छे से जानते हैं, श्रीनगर का जो कांड हुआ था उसे भी आप अच्छे से जानते हैं, और ना जाने कितनी अन्य घटनाएं हैं जो शायद इतिहास में भी ना हैं। और कई लोगों ने संघर्ष किया इस छोटे से राज्य के लिए ताकि पहाड़ का विकास हो, पहाड़ के लोगों का विकास हो, यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की अशिक्षा दूर हो, लेकिन 20 सालों में भी शायद इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है हमें इसकी तरफ निरंतर बढ़ने की ज़रूरत है, हमें कोशिश करनी होगी कि हम दिन प्रतिदिन अपने को अपडेट रखें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने को शिक्षित बनाएं, और अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए और हम सब के लिए संघर्षरत रहें। यदि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे, 1 करोड़ की जनसंख्या है उत्तराखंड की, 1 करोड़ लोग काफ़ी होते हैं, अगर 1 करोड़ लोग बच्चे से बुढ़े तक हर आदमी अपडेट रहे, अवेयर रहे और अपने जिम्मेदारी समझे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो सब कुछ संभव है। भाईचारा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। ये गढ़वाल, ये कुमाऊं है, गढ़वाली और कुमाऊनी लोग काफ़ी साधारण होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं, ये दूसरे पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं, ये झूठे, ये बेईमान नहीं होते, ये दूसरे के संस्कारों को जानते हैं, संस्कारित होते हैं, नैतिक होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उदारवादी होते हैं, भावनात्मक स्वभाव के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो जो ये इनकी संस्कृति है प्राचीन काल से वर्तमान तक, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। और दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो हावी हो रहे हैं राज्य पर किसी भी प्रकार से, उनको समझने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक अच्छे दिशा में, सकारात्मक दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। राज्य में आए दिनों कई बार कई ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं, कई क्राइम ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें लगता कि ऐसा कैसे हो रहा है हमारे आसपास, हमारे नज़दीक में, हमारे पड़ोस में, कैसे पॉसिबल है। जो आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जब शादियाँ होती तो गाँव में सब लोग खाना बनाते हैं, सब खाते हैं, खेतों में खाते हैं बैठ के सब लोग, कैसे, ये पुरानी परंपरा है, तो ये हमें नहीं भूलनी है, यही तो संस्कार हैं, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी सभ्यता है, हमें आधुनिक होना है, आधुनिकीकरण की तरफ जाना है, लेकिन इतना आधुनिक भी नहीं होना है कि हम अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, अपनी नैतिकता को, अपनी सभ्यता को भूल जाएं। इसलिए आज के राज्य स्थापना दिवस के इस पर्व पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर, इस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे वादा करता हूँ और आप सबसे वादा भी लेता हूँ कि उत्तराखंड की जो 1 करोड़ की जनसंख्या है, इन 20 सालों में हमने जो भी किया, जो भी पाया, जो भी खोया, जो भी हुआ वो तो हो गया, उस पर हम कितना भी परेशान हों, कितना भी चिंतन करें, शायद सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन आज के बाद हम सुधार करने के लिए एक संकल्प ले सकते हैं, एक समर्पण ले सकते हैं, एक त्याग ले सकते हैं कि हम करेंगे, अच्छा करेंगे, पहले खुद के लिए करेंगे, फिर समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, अपने राज्य के लिए करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों के लिए करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को,
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कहीं का भी हो, गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, हमें गढ़वाली कुमाऊनी से कोई नहीं मतलब। हम उत्तराखंड के हैं, हम भारत के हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, और उसके बाद हम उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड के नागरिक भी नहीं कह सकते, हम तो भारत देश के नागरिक हैं, हम एकल नागरिकता के समर्थक हैं, एकल नागरिकता हमारी है, उत्तराखंड राज्य के हम निवासी हैं। तो एक उत्तराखंड राज्य के निवासी होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, हम सबका लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम अपने राज्य के लिए अच्छा करें, और सबसे पहले अपने लिए करें। यदि आप अच्छे बन जाओगे तो आप निश्चित समाज के लिए अच्छा करोगे 100%। और इसके लिए हम अपने राज्य की सरकार, अपने राज्य के शासन प्रशासन, अपने राज्य की सरकार के कार्मिक अंगों से भी अपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, और सरकार के अंगों का साथ भी देंगे सब मिलकर, कि राज्य के विकास में सब लोग हाथ से हाथ मिलाकर एक सकारात्मक, एक ऊर्जावान दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि आने वाला जो समय हो, 20 साल के बाद उत्तराखंड को देखेंगे, 2 दशक के बाद। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को हम मनाते हैं, लेकिन 20 साल आज हो गए 2 दशक कंप्लीट होने के बाद, 2 दशक के बाद फिर से हम इसको एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे कि कितना विकास हुआ। आप देखते हैं सभी लोगों के गांव में मनरेगा होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, और यह एक्ट 2005 से शुरू हुआ और 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। आज मनरेगा को लगभग 15 साल हो गए, यानी 15 साल काफ़ी होते हैं, 12 वर्ष में तो कुंभ का मेला होता है, ये उससे भी ज़्यादा हो गया 15 साल। आज से 15 साल पहले गांव की स्थिति वैसी ही थी जैसे आज है, और आपको ये भी पता है कि मनरेगा में हर वर्ष काम होता है। गांव में, एक ही गांव में 7 से 8 टोलियां बनी होती हैं, प्रत्येक टोली में 8 से 10 परिवार होते हैं, और हर वर्ष 100 दिन का रोजगार कम से कम मिलता है, पैसा भी आता है, सीमेंट भी मिलता है, सरिया भी मिलता है, लेबर को जो चार्ज है, दिहाड़ी जिसे कहते हैं, वो भी मिलता है समय पर, या कभी लेट भी पैसा आ जाता है उनके खाते में, और वो खुद का काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, खेतों की दीवारें बनाते हैं, अपने घर के आसपास दीवार बनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सुधार ना के बराबर है, क्यों? काम हमेशा होता है लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा, कहाँ जा रहा है? कारण ये है, इस बार इधर की दीवार बनाते हैं, अगली बार उस तरफ की दीवार बनाने के लिए इस दीवार के पत्थर उठा के वहां ले जाते हैं। ये करप्शन का प्रतीक है, बेईमानी का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार से बजट आ रहा है मनरेगा के लिए, पिछले 15 सालों से हर वर्ष आता है, लेकिन काम हम खुद का करते हैं, खुद करते हैं, खुद के लिए करते हैं, खुद हम लेबर हैं, खुद हम मिस्त्री हैं, सब कुछ हम हैं, लेकिन फिर भी हम उस काम को अच्छे से नहीं करते, इसीलिए हम पिछड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, कहीं ना कहीं अन्य सरकारी अंगों की भी गलती है। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि गाँव में ध्यान दिया जाए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंक, इन पर ध्यान दिया जाए, बाकी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाए, गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा वो बहुत अच्छा होगा राज्य के जनता के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि यही नीड्स हैं। इंसान इसीलिए तो पलायन कर रहा है, क्योंकि उसे गाँव में कुछ नहीं मिलता, उसे सब्जियां नहीं मिल रही हैं, उससे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, उससे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों के लिए, उससे बैंक में पैसा जमा करने के लिए बैंक नहीं मिल रहा, उससे फोन पर बात करने के लिए कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, उससे इधर उधर परिवहन करने के लिए सड़कें नहीं मिल रही, गाड़ियां नहीं मिल रही, तो इंसान मजबूर होकर, चाहे वो 7-8 हज़ार रुपये की ही नौकरी करेगा, लेकिन जाएगा वो शहरों की तरफ पलायन करके, उसकी मजबूरी है, साथ में वो गरीब है, बेरोजगार है, शिक्षित है, उसने पढ़ रखा है, लेकिन रोजगार नहीं है, तो जाएगा, उसकी मजबूरी है। इसलिए तो मुझे लगता है जरूरत है इस राज्य पर चिंतन करने की। 13 जनपद हैं इस राज्य में, और उन जनपदों में तहसील हैं, विकास खंड हैं, गांव हैं, 1 करोड़ से
अधिक की आबादी है, अगर सब मिलके विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़े, विकेंद्रीकृत विकास की बात करें, तो चंद वर्षों में राज्य का विकास आसानी से संभव है। इतना कठिन नहीं है, छोटा सा राज्य है, क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या भी कम है, जिले काफी हैं इस हिसाब से। तो अगर हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपने मन वचन कर्म से विकास करे, सजग रहे, जागरूक रहे, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर रहे, तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। लेकिन वही आखिर बात वही आ जाती है मनरेगा पर। पिछले 15 सालों से हर वर्ष सड़कें बन रही, लेकिन आज भी देखो जैसे 15 साल पहले था वैसा ही आज भी है। लोगों के घरों में आज भी कई समस्याएं हैं, कई लोगों के पास अभी अच्छे से टॉयलेट नहीं है। सरकार ने जबकि टॉयलेट के लिए पैसा भी दिया, नहीं बनाया लोगों ने, पैसा खा लिया लेकिन वो नहीं बनाया। गलती किसकी है? कहीं ना कहीं हमारी भी है, हम भी अपने आप को डुबाने में पीछे नहीं है। हमें कभी कभी अपने पे भी दोष देना होगा, अपना खुद का एनालिसिस करना होगा, क्योंकि आप भले तो जग भला। यदि आप सबसे पहले आप अच्छे हैं, आप जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। यदि आप गलत करते हो अपने लिए, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ, वादा भी करता हूँ, आपसे भी वादा लेता हूँ कि कभी बारीकी से सोचो इस राज्य के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में। एक मुहिम उठाओ कि हम कुछ अच्छा करेंगे। आपको जहां गलत दिखता है, आपको जहां खराब दिखता है, आपको जहां लगता है कि यहां पे गलत हो रहा है, आप उसके लिए आगे आओ, उसमें सुधार करने की कोशिश करो। तो निश्चित तौर पर अगर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा, तो राज्य का विकास कुछ वर्षों में हो जाएगा। 20 साल तो काफी होते हैं, 20 साल में छोटा बच्चा कितना बड़ा हो जाता है। उसके जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय तो उसके दांत भी नहीं निकले होते हैं, फिर दांत निकलने के बाद 20 साल तक तो उसके एक बार दांत टूटने के बाद पुनः दांत भी आ जाते हैं, और वो हष्ट पुष्ट युवा हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने, बोलने की पूरी क्षमता विकसित हो जाती है, यानी उसका चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो जाता है। 20-21 वर्ष का आदमी को हम छोटा नहीं मान सकते, इसी तरह 20-21 वर्ष का राज्य को हम छोटा नहीं मान सकते। तो 2 दशक बहुत ज्यादा होते हैं, और कितने बार आपने इस राज्य के लिए जो आंदोलनकारी थे उनको याद किया, किया होगा अवश्य, और किस प्रकार उन लोगों ने अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना बलिदान देकर इस राज्य को अलग बनाया, एक पहाड़ी राज्य के रूप में, एक विकास का सपना, एक विकसित राज्य का सपना लेकर, एक शिक्षित, एक विकसित, एक स्वस्थ, एक हष्टपुष्ट, एक संपूर्ण विकसित राज्य का सपना जो देखा था उन राज्य के आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना के लिए अपना अहम योगदान दिया, अहम बलिदान दिया, उनको भी हम आज के इस शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं, याद करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में उनके जो सपनों का उत्तराखंड था, उनकी जो कल्पनाओं का उत्तराखंड था, उसको बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। उम्मीद है आज का यह लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा। आपसे वादा करता हूँ और वादा लेता हूँ कि हम सब मिलकर इस राज्य के पुनर्निर्माण में अहम योगदान देंगे, इसको विकास की राह पर, इसको सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ, एक स्वस्थ हष्टपुष्ट राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में, एक शिक्षित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने में अपना अमिट, अटूट, अखंड
योगदान देने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित और दृढ़ निश्चयी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।